राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट एफोरिज्म का रिवीजन। हमने टू पार्ट्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया है, सो सारे पॉइंट्स एक बार रीड करेंगे, क्विक रिव्यू करेंगे एंड रिवाइज करके ख़त्म करेंगे एक वन शॉट वीडियो में। सो फर्स्ट एफोरिज्म है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एफोरिज्म्स क्या है। एफोरिज्म इज़ अ शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग, द एम ऑफ विच इज़ टू कन्वे द जनरल ट्रूथ। यानी कि एफोरिज्म एक शॉर्टली क्लेवरली Aphorism is a shortly cleverly phrased saying, the aim of which is to convey the general truth. यानी कि एक aphorism है, वो एक shortly cleverly phrased saying है जिसका main aim है to convey, यानी कि हमको बताना कि general truth क्या है। Every reader tries to interpret the aphorism in his own manner. हर एक reader try करता है अब aphorisms को अपनी समझ के हिसाब से interpret करने का, समझने का। It is difficult to understand Hanumansir's mind by single reading of Organon of Medicine. Each and every time he repeats the study, the reader ends in finding a therapeutic hints, treasures of therapeutic hints. Yani, ये तो difficult है कि आप Hanumansir क्या कहना चाहते हैं, वो aphorism को सिर्फ एक बार पढ़ने से समझ लो, लेकिन अगर आप बार बार के कोई भी रीडर है या बार बार ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म्स को रीड करता है तो उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है और हर बार उसको कोई नया ट्रेजर हिंट मिलता है, थेरापेटिक्स हिंट के बारे में नया कोई ट्रेजर मिलता है, नया कोई सीख मिलती है। सो हैनुमानसर गॉट डिससेटिस्फाइड एंड फाउंड फॉल्ट विद द थेरापेटिक सिस्टम विच वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। यानी उनके टाइम पर चलने वाली जो भी प्रिवेलेंट सिस्टम थी, हैनुमानसर वो प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन वो उससे डिससेटिस्फाइड थे, इसीलिए उन्होंने वो छोड़ दी, उन्होंने उसमें कुछ फॉल्ट फाइंड किया और उसका लॉजिकल माइंड था वो उसको कंक्लूड नहीं करने दे रहा था कि जो मेडिसिंस है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आर्ट ऑफ ड्रगिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन वो चाहते थे कि कोई ऐसे मेडिसिनल सिस्टम हो जो आर्ट ऑफ हीलिंग पे फोकस करे, ना कि सिर्फ ड्रगिंग पे। सो हिज लॉजिकल माइंड लेट हिम कंक्लूड दैट द मेडिसिंस आर प्रैक्टिस्ड मोर एज एन आर्ट ऑफ ड्रगिंग देन आर्ट ऑफ हीलिंग। इसमें हैनुमानसर ऐसा मानते थे कि आर्ट ऑफ ड्रगिंग पे फोकस करने से कोई भी फिजिशियन के पास कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं कि उसको क्या करना है, वो तो बस डिसीज को पहचान रहा है, कोई मेडिसिन दे रहा है और बस खत्म, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो हैनुमानसर को ऐसा लगा कि द ऑब्जेक्ट वेयर ऑफेंडेड मिस्ड एंड द फिजिशियन टू ट्रीट द डिसीज, यानी डिसीज को ट्रीट करने के लिए फिजिशियन के पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर एम नहीं था। तो हैनुमानसर ने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को और सबसे पहले एफोरिज्म में क्लियर कट में हमें एक ऑब्जेक्ट और एम दिया। सो हैनुमानसर पॉइंटेड आउट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फिजिशियन इन क्लियर लैंग्वेज इन द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन टू शो द ग्रेट इंपॉर्टेंस। He wanted to fix an object for the physicians at very beginning of the organon and subsequent sections include the meaning of achieving the goals. So, फिर हैनुमान सर ने फर्स्ट एफोरिज्म में इसीलिए पहले से ही फिजिशियन के लिए फिक्स कर दिया कि बिगनिंग में ही कि ऑर्गेनन के कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। सो फर्स्ट एफोरिज्म देख लेते हैं, ये फर्स्ट एफोरिज्म है, वो वर्ड टू वर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है। सो द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। The physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed. तो ये एफोरिज्म हुआ, पहली बार रीड करने पर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल एफोरिज्म है। इन फैक्ट द सेक्शन रिवील्स द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड बुक। यहाँ पर ये एफोरिज्म है वो पूरी बुक का, इन शॉर्ट एक लाइन में अगर पूछे कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या है तो वो एक लाइन में पूरी बुक का सार ये एफोरिज्म में बता दिया गया है। इन फैक्ट द सेक्शन रिवील द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड बुक इन द वेरी फर्स्ट रीडिंग द फर्स्ट एफोरिज्म फाउंड वेरी सिंपल एंड वेल नोन बट द केयरफुल एंड रिपीटेड स्टडीज रिवील द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एफोरिज्म इज कन्वेइंग समथिंग आइडियल टू द रीडर्स। यानी जैसे आप इसको केयरफुली रीड करते जाओगे आपको पता चलेगा कि इसके हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है, वो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ रीडर को कहना चाहती है। तो हम इसके पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं फटाफट क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहला वर्ड है द एक ऐसा आर्टिकल है वो जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को मेंशन करने के लिए, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो हैनेमन सर है वो इस आर्टिकल को यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर फिजिशियन का इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि फिजिशियन है वो सिर्फ डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, वो एक डायग्नोसिस करता है डिसीज़ का, वो प्रोग्नोसिस भी करता है, वो हेल्थ एडवाइज़र भी है, हीलर भी है, काउंसिलर भी है। सो इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है फिजिशियन के इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए। नाउ फिजिशियन का मतलब क्या है? फिजिशियन है वो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास थोड़ा नॉलेज है, यानी इनफ नॉलेज है आर्ट ऑफ हीलिंग की। ये जो वर्ड फिजिशियन है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड फूजिस में से, जिसका मतलब है नेचर। यानी कि फिजिशियन है उसके पास नॉलेज होना चाहिए लूज और प्रिंसिपल्स जो है नेचर के उसका, और उस लूज और प्रिंसिपल्स है जो नेचर्स को उसको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिस में उसका। सो हैंस अ फिजिशियन इज अ पर्सन हु नोज द लूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर एंड हाउ टू अप्लाई दैम इन प्रैक्टिस। हैनेमन सर कंसिडर करते हैं कि फिजिशियन एक ऐसा पर्सन है जो वेल नोन है, जिसको आर्ट ऑफ हीलिंग का अच्छा नॉलेज है, जो आर्ट ऑफ ड्रगिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके आर्ट ऑफ हीलिंग पे फोकस कर रहा है, क्योंकि एलोपैथिक स्कूल में तो आर्ट ऑफ ड्रगिंग पे फोकस होता था और वो हैनेमन सर को अच्छा नहीं लगता था और वो उससे सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट भी नहीं आता था और वो क्योर देने की जगह पेशेंट की सफरिंग को और बढ़ाता था। तो इसीलिए आर्ट ऑफ हीलिंग पर हैनेमन सर ने ज़्यादा फोकस किया। The prime mission of the physician is only to cure the sick. The knowledge must be utilized to restore the patient's physical, mental, social and psychological disturbance with health. And in short, यहाँ पर physician word का क्या मतलब है और physician word क्यों use किया गया है? क्योंकि physician word है वो Greek word phusis में से derive हुआ है, जिसका मतलब है nature। यानी कि Hahnemann sir ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा person है physician जिसके पास nature का knowledge है, nature के laws और principles का knowledge है, और उस laws और principles को कैसे patient को cure करने के लिए use करना है, इस तरीके से art of healing का भी उसके पास thorough knowledge है। So the physician हो गया। Now the physician's high and only, तो देखते हैं high का मतलब क्या है। यहाँ पर वर्ड हाई यूज़ किया गया है क्योंकि द वर्ड हाई सजेस्ट दैट द फिजिशियंस मिशन इज़ नोबल एंड इम्पॉर्टेंट। हाई वर्ड का मतलब है कि जो फिजिशियन का मिशन है वो नोबल है और इम्पॉर्टेंट है। फिजिशियंस मिशन इज़ टू प्रोटेक्ट द लाइफ फोर्स ऑफ हिज पेशेंट टू विच इकोनॉमिक गिव्स अल्टीमेट इम्पॉर्टेंस। और ओनली का मतलब क्या है? ओनली यानी कि एक ऐसा वर्ड जो हमें एम्फोसाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है कि फिजिशियन का मिशन एक सिंगुलर और फोकस्ड मिशन है। The first and foremost prime aim of the physician is to cure the disease. यहाँ पर high and only word को क्यों use किया है, higher या फिर highest को क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर physician का जो main mission है उसका importance दिखाने के लिए कि high यानी कि एक noble और important mission है, और only कहकर उसको बता दिया कि वो singular focused मिशन है उसका। तो सिंगुलर फोकस्ड इम्पॉर्टेंट मिशन ऑफ द फिजिशियन इज़ टू क्योर द पेशेंट, इसलिए यहाँ पर हाई एंड ओनली वर्ड का यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू जितना मुझे समझ में आया है वो। नाउ अब देखते हैं आगे। सो मिशन वर्ड है वो कॉमनली उसका मतलब होता है कि जो पर्पस जिसके लिए हमारा बोर्न हुआ है, या फिर जो कोई भी टास्क या गोल जो किसी पर्सन या ग्रुप को दिया गया है। ओरिजिनली एफोरिजम्स है वो जर्मन लैंग्वेज में लिखे गए थे और हैनेमन सर ने जर्मन लैंग्वेज में बेरफ वर्ड को यूज़ किया था, लेकिन ट्रांसलेट करते समय डिफरेंट ट्रांसलेटर्स ने डिफरेंट वर्ड्स को सजेस्ट किया था, जैसे कि एम है, गोल है, कॉलिंग है, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर हमने इस एफोरिज्म को ट्रांसलेट करके इसमें मिशन वर्ड को ही यूज़ इसीलिए किया क्योंकि हैनेमन सर का मेन मोटिव ये था कि फिजिशियन सिर्फ पेशेंट को ठीक करना अपनी ड्यूटी समझकर ही वो काम ना करे, वो एक सर्विंग पावर से, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से वो सब कुछ करे। इसीलिए वो एक वर्ड की नेशन को जैसे सर्व करते हैं तो वो मिशन पे होते हैं। फिजिशियन जो आर्मी मैन है उनका मिशन होता है, तो वैसे फिजिशियन का भी मिशन है कि वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से सारे पेशेंट को देखे, उनको सर्व करे, उनको सेव करने की इच्छा से, कि उनकी सफरिंग्स को कम करने की मतलब थिंकिंग से वो पेशेंट को क्योर करे। तो यहाँ पर क्या है, बट द वर्ड मिशन सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द फिजिशियन मस्ट अटेंड द पेशेंट विद द इनर पेशेंट टू सर्व एंड टू सेव द पेशेंट एंड नॉट जस्ट फॉर द सेंस ऑफ अटेंडिंग ड्यूटीज। ही मस्ट सी द सिक पीपल विद अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। हैनेमन सर कंसिडर्ड क्योरिंग द सिक इज़ द ओनली अल्टीमेट एंड होली एक्टिविटी ऑफ द फिजिशियन। तो हैनेमन सर के कहने के मुताबिक कोई भी दूसरा वर्क है वो फिजिशियन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए जब तक कि क्योरिंग द सिक उसका एक मेन एम है तब तक। सो फिजिशियंस मिशन इज़ टू प्रोटेक्ट द लाइफ फोर्स ऑफ द पेशेंट एंड ही इज़ द गार्डियन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड लाइफ।
नाउ रिस्टोर वर्ड यहाँ पर क्या दर्शाता है वो देखते हैं। तो रिस्टोर यानी किसी भी चीज़ को अपनी नॉर्मल पोजिशन में या फिर ओरिजिनल स्टेट में या फिर फॉर्मर स्टेट में लेके आना। सो हियर रिस्टोर वर्ड मीन्स टू ब्रिंग बैक इनटू द फॉर्मर और ओरिजिनल स्टेट। इट मीन्स फिजिशियन शुड रिस्टोर द पेशेंट हेल्थ फ्रॉम सिक टू हेल्थ कंडीशन एंड देन टेक टू क्योर। अब देखते हैं कि जो पूरा एफरिज्म्स क्या था। फर्स्ट एफरिज्म, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। तो यहाँ पर हमने रिस्टोर तक देख लिया, अब सीक हेल्थ और क्योर के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी कौन सी कंडीशन में होती है, हेल्दी कंडीशन में, तो हम हेल्थ के बारे में देखेंगे। फिर बॉडी में आता है कोई भी डिरेंजमेंट यानी कि डिसीज यानी कि सीकनेस, उसके बारे में देखेंगे। और फिर हैनेमन सर ने यहाँ पर पर्सन को एज अ वॉल कंसिडर करने के लिए कहा है, इसीलिए हम वॉल पर्सनैलिटी के डिरेंजमेंट को बोलते हैं सीक, क्योंकि पर्सन एज अ वॉल जब डिरेंज होता है तो उसको कहा जाता है सीक, और जो चीज़ उसको डिरेंज कर रही है वो है सीकनेस। तो फिर हम देखेंगे सिक के बारे में। तो अब हेल्थ के बारे में देखते हैं कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट है या फिर जो पर्सन है वो प्रॉपर वेल बीइंग में है, प्रॉपर ठीक है। हेल्थ इज़ अ फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है किसी भी पर्सन की जहाँ पर वो अपनी स्टेट ऑफ वेलबींग को एंजॉय करता है, क्योंकि उसके सारे सेंसेशंस फंक्शंस है बॉडी के वो नॉर्मल होते हैं। ईज और कंफर्ट के लेवल पे होता है वो पर्सन, क्योंकि उसको अपने सराउंडिंग से उस टाइम पर कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होती है। इट इंडिकेट्स दैट द स्टेट वेयर ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी एंड द पेशेंट डज नॉट फील एनी शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। इन हेल्दी कंडीशन वाइटल फोर्स इज मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी। नाउ देखते हैं कि डिसीज क्या है। डिसीज एक ऐसा डिस्टर्ब्ड स्टेट है जिसमें बॉडी की जो हार्मनी है, जो बैलेंस है बॉडी और माइंड के बीच का, वो बिखर जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाना है। इन डिसीज द पेशेंट इज नॉट एट ईज एंड कम्फर्ट। डिसीज में पेशेंट है वो ईज या फिर कम्फर्ट लेवल पे नहीं होता। डिसीज है वो एक डिविएशन है नॉर्मल हेल्दी कंडीशन का, जिसको समझने के लिए उसके सिम्टम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So disease is nothing but the deviation of the health which can be understood only by its morbid symptoms. Disease according to allopathy is nothing but the derangement of tissue, but according to Hahnemann's derangement of tissue change is always followed by dynamic derangement of vital force. So disease है वो according to allopathy अगर देखने को जाए तो वो सिर्फ एक डिरेंजमेंट है टिश्यू की, लेकिन हैनेमन सर का कहा माने तो हैनेमन सर के अकॉर्डिंग है सबसे पहले डिरेंज होता है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स जब डिरेंज होता है और अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता तो उसके बाद ही टिश्यूज डिरेंज होता है। तो विदाउट द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज़ नॉट पॉसिबल। तो वाइटल फोर्स सबसे पहले डिरेंज होगा, तो डायनामिक है वाइटल फोर्स है वो, तो वो डिरेंज भी किसी डायनामिक फोर्स से ही होगा। सो डायनामिक वाइटल फोर्स कैन ओनली बी डिरेंज्ड बाय डायनामिक मियाजमेटिक पावर। और डिसीज है उसको क्या बोलते हैं हम, सिकनेस। अब देखते हैं सिक के बारे में। वाइटल फोर्स है वो प्राइमरीली जब डायनामिकली डिरेंज होता है तो सबसे पहले फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर सेंसेशंस है वो डिसएग्रीएबल कंडीशन में यानी डिस्टर्ब कंडीशन में जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को बाय इन द फॉर्म ऑफ परसेप्टेबल साइंस एंड सिम्टम्स। फिर उस साइंस और सिम्टम्स से हम टोटलिटी बनाते हैं, और जिस टोटलिटी के बीच पर हम किसी डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। हेंस हैनेमन सर मीन दैट द सिकनेस इज द ऑफ द वॉल मैन, और इसीलिए हैनेमन सर ऐसा मानते हैं कि पूरी की पूरी प्रोसेस है वो एक पूरे के पूरे पर्सन की है, फ्रॉम इंटरनल मैन टू आउटर सर्फिस, क्योंकि वाइटल फोर्स से डिरेंजमेंट स्टार्ट हुई थी और फिर वो आकर एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हुई, क्योंकि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स। तो इसीलिए टोटलिटी फॉर्म करके जब हम डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं उससे पहले वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ था, तो ये पूरी प्रोसेस है वो इंटरनल मैन से स्टार्ट होती है, यानी कि पूरा का पूरा वॉल ह्यूमन बॉडी है वो उसमें सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि वाइटल फोर्स इज वॉल। तो इसीलिए हैनेमन सर मीन्ड द सिकनेस ऑफ द वॉल मैन मीन्स दैट इज इंटरनल मैन, क्योंकि होम्योपैथी में क्या है, वी डू नॉट कंसिडर डिसीज एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वॉल लाइफ फोर्स, यानी कि हमारा जो लाइफ फोर्स है उससे डिसीज को हम डिफरेंट नहीं मानते। द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इज टर्म्ड एज सिकनेस एंड इट इज़ कॉल्ड द वॉल मैन दैट इज सिक, यानी कि जो डिरेंजमेंट है वाइटल फोर्स में हुई है उसको हम सिकनेस बोलते हैं, और पूरे के पूरे पर्सन को क्या बोलेंगे, सिक पर्सन, क्योंकि यहाँ पर हम एज अ वॉल पर्सनैलिटी हम पूरे सारे सिम्टम्स लेते हैं।
एंड इज़ टू बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ एंड नॉट बॉडी नॉट टिश्यू. मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पूरा का पूरा पर्सन है वो उसकी सारे ही सिम्टम्स को लिखने के बाद, टोटलिटी बनाने के बाद, हमें उसके सारे सिम्टम्स को क्लियर करना है, ना कि सिर्फ मेन कंप्लेंट्स को या फिर किसी बॉडी पार्ट को या टिश्यू को. सिक मीन्स क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ द होल पर्सनैलिटी. डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज टर्म्ड एज ए सिक. जो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सिक. इट इज डिरेंजमेंट ऑफ द इनर मैन विच प्रेसिड्स एनी ऑर्गेनिक चेंज. वो इनर मैन का डिरेंजमेंट है, उससे स्टार्ट होता है और उसके बाद ही ऑर्गेनिक डैमेज तक पहुँचता है. हैनेमनसन स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द टिश्यू कैन नॉट डिरेंज अंटिल द वाइटल फोर्स इज नॉट डिरेंज्ड. तो हैनेमन सर का ऐसा मानना है कि जब तक टिश्यू डिरेंज जब तक वाइटल फोर्स डिरेंज नहीं हुआ है, तब तक टिश्यू के डिरेंज होने की कोई बात ही नहीं आती. मतलब वाइटल फोर्स डिरेंज होगा उसके बाद ही टिश्यू डिरेंजमेंट होगी. दस हैनेमन सर कमेंट्स दैट देर इज नो डिसीज बट सिक पीपल. और इसीलिए हैनेमन सर का कहना है कि कोई भी डिसीज नहीं होता लेकिन सिक पीपल ज़रूर होते हैं. सो इसीलिए हम इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं, सारे पर्सन के सारे सिम्टम्स लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं. द डिरेंजमेंट ऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर. अरेंजमेंट है वो सेंटर से स्टार्ट हुआ है, यानी इनर मैन से, वाइटल फोर्स से, और उसका आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, वो है सिम्टम्स के थ्रू. जब तक हम अच्छे से सिम्टम्स को नहीं समझेंगे, हम अच्छे से डिसीज के बारे में पता नहीं चलेगा. नाउ क्योर के बारे में. क्योर क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम फॉर्मल हेल्थ वाली कंडीशन को फिर से लाते हैं. सो हैनेमन स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द रिमूवल ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज द रिमूवल ऑफ द डिसीज. सो हैनेमन सर का ऐसा मानना है कि जब तक आप सारे सिम्टम्स को रिमूव नहीं करोगे, तब तक वो टोटल क्योर नहीं है. यानी सारे सिम्टम्स रिमूव होंगे उसके बाद ही टोटल रिमूवल ऑफ डिसीज माना जाएगा. सो क्योर इज द अल्टरेशन ऑफ द अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ टू द प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट. तो क्योर एक अल्टरेशन है अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ का, जो प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट का है. मतलब ये डिटेल में अगर समझना है तो आप डिटेल वीडियो देखिए. यहाँ पर इतना याद रखना है कि क्योर इज द अल्टरेशन ऑफ द अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ टू द प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट. सो है क्योर इज टोटल एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ बाई क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल्स. तो क्योर है वो टोटल एनिहिलेशन है डिजीज का, यानी टोटल रिमूवल है डिजीज का, परमानेंट रिस्टोरेशन है हेल्थ का, और ये सब होता है बाई क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल्स. पेलिएशन और सप्रेशन है सिम्टम्स का, उसको हम क्योर नहीं मानते. नाउ एज इट इज टर्म्ड मतलब जैसा पहले था उसी प्रकार से. तो जिस कंडीशंस में सिम्टम्स आए हैं, क्या हेरिंग्स लो की लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग सिम्टम्स दूर हो रहे हैं? अगर हाँ तो हम एज इट इज टर्म्ड वाली कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं. सो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जब हम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में देखेंगे तब. सो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग हैज समराइज्ड दिस ऑर्डरली डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स एज फॉलोज. फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, एंड द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपियरेंस ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. हैनेमन सर बाई हीज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक ऑफ रीजनिंग शोज इन हिज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन दैट सच क्योर इज ऑनली पॉसिबल बाई होम्योपैथी. और हैनेमन सर दिखाते हैं कि एज इट इज टर्म्ड वाला, मतलब ये जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग क्योर आता है, ऐसा क्योर सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के थ्रू ही पॉसिबल है. ओनली बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी वी कैन रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर. और सिर्फ जो फंडामेंटल्स है होम्योपैथी के, उसके बेसिस पर ही हम होम्योपैथी के थ्रू ही मतलब रिस्टोर कर सकते हैं सिक टू हेल्थ टू क्योर में. द फर्स्ट एफोरिज्म ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथी. जो फर्स्ट एफोरिज्म है वो होम्योपैथी की फाउंडेशन है, जो हमें दिखाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिशियन का रोल क्या है रिस्टोर करने में फ्रॉम सिक टू हेल्थ, और क्या हाईलाइट है, मतलब क्या हाईलाइट्स है नोबल और इम्पोर्टेंट मिशन का, एंड दैट द फिजिशियन हैव इन देयर वर्क. मतलब इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिशियंस रोल इन रिस्टोरिंग द सिक टू हेल्थ एंड हाईलाइट्स द नोबल एंड इम्पोर्टेंट मिशन दैट फिजिशियन हैव इन देयर वर्क. सो द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन इज टू हील द सिक मैन टू क्योर द सफरिंग ह्यूमैनिटी. द सोल ड्यूटी क्या है फिजिशियन की? टू हील द सिक मैन एंड क्योर द सफरिंग ह्यूमैनिटी. यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन का रिविजन क्विकली खत्म होता है. अगर फिर भी कुछ रह गया है और डिटेल में समझना है तो पहले के दो डिटेल वीडियो देख लीजिए, और अगर फिर भी कुछ लगता है कि और एक बार करना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय.
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी, और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।